आज की क्लास में हम बात करेंगे एक्सेल के अंदर फॉर्मेटिंग ट्रिक्स। फॉर्मेटिंग ट्रिक्स मतलब कि हम कोई रिपोर्ट अगर बनाए तो उसकी फॉर्मेटिंग कैसे करें, कोई भी रिपोर्ट अगर हम बनाते हैं तो उसकी फॉर्मेटिंग हम कैसे करें, हम इस बात पे आज आपके साथ डिस्कस करें। अब क्वेश्चन आता है किस तरह की फॉर्मेटिंग की बात हो रही है। देखिए, जब भी आप कोई रिपोर्ट बनाते हैं, जैसे मैं न्यू पे गया, इतने सारे रिपोर्ट्स आप देख रहे हैं, ठीक है। अब जो रिपोर्ट्स बना है इसकी कुछ ना कुछ तो फॉर्मेटिंग बनी है ना, ऐसे तो नहीं लिख देंगे, एक फॉर्मेटिंग तैयार होगी उसके बाद हम कुछ कर पाएंगे क्या सर? तो किसी तरह का फॉर्मेट कैसे बनाया जाए, किस तरह की चीजों पर यूज किया जाए, आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मान लीजिए हम इसी को चूज करते हैं और ये दिख रहा मुझे कुछ इसी तरह का एक फॉर्मेट बनाना है। एम्ब्रॉयडरी रेकर है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे संडे मंडे ट्यूजडे आपको यहाँ दिख रहा है, और यहाँ पे मंथ है जनवरी फरवरी, और यहाँ पे डला हुआ है। तो क्या इस तरह का फॉर्मेट मैं तैयार कर सकता हूँ या आपको तैयार करना हुआ तो कैसे करेंगे, ठीक है। अब इसके अंदर जो फॉर्मूला लगा हुआ है, फॉर्मूला तो हम बाद में सीखेंगे, लेकिन जब तक अगर मान लीजिए फॉर्मूला सीख भी गए और इसको सही ढंग से ऑर्गेनाइज नहीं करेंगे तो क्या फायदा होगा क्या सर? फॉर्मूला तो सेकेंडरी चीज है ना, पहले फॉर्मूला कहाँ लगाना है ये डिसाइड करना होगा ना, ऐसे ही बोल रहा हूँ सर? करेक्ट करेक्ट। चलिए इस सेम चीज को हम बना के दिखाते हैं। एक एक्सेल सीट हमने ली, एक एडीएफ फाइल लिया। अब मैं कुछ भी बनाना चाहता हूं तो सबसे पहले मैं इसकी ग्रिड लाइन हटा, जो लाइनिंग दिख रही है इसको बोलते हैं ग्रिड लाइन। यहाँ फॉर्म, यहाँ पेज लेआउट में ये आपको दिखेगा व्यू, इससे ग्रिड लाइन आपकी हट जाएगी। और जब भी कुछ बनाइए एक रो और एक कॉलम को छोड़ दीजिए ताकि प्रिंटिंग का पर्पज कर सके। अब रो नंबर टू को मैं थोड़ा सा बढ़ा लिखता हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे लिखना है हेडिंग। यहां पे मैं लिखा जो हेडिंग है एम्प्लॉय अटेंडेंस रिकॉर्ड, ठीक है। अब इसकी जो है फॉर्मेटिंग थोड़ी सी अच्छी की है, सबसे पहले इसका फॉन्ट चेंज करें, ठीक है। तो फॉन्ट में हम यहाँ पे आते हैं, साइज फॉन्ट की जो साइज है 26 कर देता हूँ, थोड़ा सा बड़ा, तो और बड़ा करना है तो यहाँ से आप बड़ा कर सकते। कलर जो है अलग है थोड़ा सा टेक्स्ट कलर, तो यहाँ से हम टेक्स्ट कलर भी चूज कर सकते हैं। इसको बोल्ड कर दीजिए। इसकी फॉन्ट में मान लीजिए मैं फॉन्ट यहाँ पे बहुत सारे फुल फॉन्ट है, ए बुक मैन ओल्ड स्टाइल ले लेता हूँ, ठीक है। अब जैसे एक चीज आपने देखा कैसे, देखिए यहाँ पे, ठीक है। जब मैंने इस पे क्लिक किया तो यहाँ इसका फॉन्ट दिख गया, यहाँ इसकी साइज दिख गई, और जब इसको क्लिक किया तो ये देखिए हाईलाइटेड कलर दिख रहा है, यहाँ पे कलर लिख दो, ठीक है सर। इस तरह से कर सकते हैं। उसके बाद है सिलेक्ट एम्प्लॉय नेम, सिलेक्ट ईएमपी नेम, और यहां मैं थोड़ा सा बड़ा करना चाहता हूं तो एरिया को सिलेक्ट करके मैंने मर्ज कर, क्योंकि मैं बड़ा नहीं कर सकता ना, इसलिए मैंने मर्ज कर। मर्ज करने के बाद मैं इसको थोड़ा सा मिडल कर देता हूँ, यहाँ मिडल यहाँ से इसको भी बोल्ड कर दीजिए। यहाँ पे मैं एम्प्लॉय नंबर वन को इसकी बैकग्राउंड कलर देता हूँ, और इसमें जो टेक्स्ट कलर होगा वो व्हाइट होगा, ताकि कोई भी नेम लिखे, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया पूजा, तो पूजा दिखे, और पूजा दिखे इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, इसको यहाँ पर मिडल कर दो अब, ठीक है।
यहां पे आता है एंटर ईयर। तो सेम थिंग, एक रो छोड़ेंगे यहां पे एक कॉलम, और इसको हम इसी को कॉपी करके नीचे हम पेस्ट कर सकते हैं ईयर। और फाइव को जो है इसको थोड़ा छोटा कर, और यहां पे लिख देते हैं एंटर ईयर, ठीक है, जो कि हमारा 2024 है, ये बन गया। अब आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं, मैंने एक यूनिवर्सल व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, ठीक है ना। बेसिकली क्या है कि कुछ लोग बोलते हैं सर कुछ अपडेट दिया कीजिए या रिकॉर्डिंग वगैरह भेज दिया कीजिए, यूट्यूब पे मुझे ढूंढना पड़ता है, मुझे भेज देंगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि मैं कुछ क्लासेस की यूट्यूब पे लिंक डाल देता हूँ ना इसलिए। तो ए मैं ग्रुप का लिंक आपको दे देता हूँ, हालांकि ग्रुप का लिंक जो है मेरे चैनल्स पे भी होते हैं, कोई भी वीडियोज में आप देखेंगे तो ग्रुप लिंक आपको मिल जाएगा, लेकिन मैंने ग्रुप लिंक मैंने आपको यहाँ भी दे दिया है, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन से भी ले सकते हैं, यूट्यूब पे मेरी वीडियो देखते हैं तो, ठीक है। एक ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, इससे क्या होगा कि इसमें डेली बेसिस में आपको बहुत ज्यादा नहीं मिलेगा, हाँ 5 6 हो तो बहुत ज्यादा से कोई एडिटेशन हो सकते हैं, आपको दिक्कत हो सकती है, इसलिए आपको हम कुछ सिलेक्टेड वीडियोज ही देंगे, जो अच्छे से वीडियोज या तरीके वीडियोज होंगे वो आपको हम इस ग्रुप में डाल दिया, और इस ग्रुप से डायरेक्ट मेरे साथ कांटेक्ट भी आप कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा आप अगर, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर मुझे रिकॉर्डेड पूरी कोर्स की वीडियो चाहिए, तो आप मेरे मोबाइल ऐप से भी ले सकते हैं, जिन्होंने मैं ऐप डाउनलोड नहीं किया है वो ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, सर्च कीजिए प्ले स्टोर में एक्सेल एमआई स्टडी। आज कुछ बच्चों के क्वेश्चंस आए थे इसलिए मैंने आपके साथ डिस्कस किया, एक्सेल एमआई स्टडी, ओके। चलिए अब यहां पे हम यहां पे लिखते हैं मंथ 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 के बाद यहां पे हम लिखते हैं वीक, जो कि संडे से शुरू हो रहा है, और इसको लेके हम ड्रैग कर, कितना ड्रैग करना है, चौंतीस, हाँ यहाँ ड्रैग कर दिया। अब इस पे जो कलर होगा फॉन्ट कलर वो फॉन्ट कलर कर देते हैं, तो सिलेक्ट किया फॉन्ट कलर वही होगा, इसका बैकग्राउंड कलर, और फॉन्ट कलर मैंने यहाँ पे व्हाइट, और बोल्ड भी थोड़ा सा कर दिया, सेंट्रल कर दिया, सेंट्रल यहाँ भी कर दिया, थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूँ मैं यहाँ से, ठीक है। अब इसको सिलेक्ट करके नीचे तक हम ड्रैग कर, ए मुझे मंथ का चाहिए ना, तो मैं यहाँ पे मान लीजिए जैन से शुरू करता हूँ, या जनवरी पूरा लिख दीजिए या जैन से शुरू कीजिए, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ और नीचे की तरफ ड्रैग कर देते, जो कि दिसंबर है, और इस दिसंबर तक को लिया और यहाँ पे हमने इसको सिलेक्ट कर, और इसकी बॉर्डर यहाँ से पहले मैंने ले ली, बट बॉर्डर में मैं यहाँ इस तरह से ऑल बॉर्डर नहीं चाहता, मुझे सिर्फ इसकी लाइनिंग वाली बॉर्डर चाहिए, वो भी मोटी और ब्लू कलर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, किसी भी एक पे राइट क्लिक करके आप फॉर्मेट सेल में चले जाएंगे, कहाँ चले जाएंगे, फॉर्मेट सेल में, फॉर्मेट सेल में यहाँ पे आपको बॉर्डर दिखेगा, यहां से मैं ब्लू कलर लेता हूँ, मोटा वाला बॉर्डर चाहिए, और मुझे इसकी यहाँ भी चाहिए, यहाँ भी, यहाँ चाहिए, यहाँ चाहिए, ऊपर वाला चाहिए, नीचे वाला चाहिए, ठीक है, हो गया। अब मुझे इस पे कलर करना है, अब इसको थोड़ा सा साइज इंक्रीज कर देता हूँ हाइट, अब मुझे इसको क्या करना है, कलर करना है, लेकिन मुझे जो कलर करने हैं एक कलर करना है दूसरा का छोड़ना है, एक कलर करना है दूसरे को छोड़ना है, इसको लिया।
अब इसको जो कलर करना है वो हल्का ग्रे करना है, बैकग्राउंड कलर ग्रे करना है इस तरह से। नीचे वाला सही रहेगा, ठीक है। अब इसकी फॉर्मेट प्रिंटर मैंने लिया और इस पे क्लिक, अब इसमें दो बार डबल 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 क्लिक करना है फॉर्मेट प्रिंटर पर, ठीक है, ताकि हटे नहीं। इस पे क्लिक किया, इस पे क्लिक किया, इस पे दो बार क्लिक कीजिए फॉर्मेट प्रिंटर पे, ठीक है, ओके, हो गया। अब यहां पे बॉर्डर नहीं दिख रहा है ना, बॉर्डर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो मैंने क्या इसमें यहां से, हाँ यहां से चाहिए, तो सेलेक्ट किया, राइट क्लिक, फॉर्मेट सेंड, फॉर्मेट सेंड, यहां पे इसकी कलर को व्हाइट कर दिया। और फिर मैंने एलिया 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 ऊपर नीचे को छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, बेटर दिख रहा है सर। यहाँ पे ऊपर के कलर भी आपको बॉर्डर देना है तो इसको भी बॉर्डर दे सकते हैं यहाँ पे, व्हाइट और हमने ऊपर का साइन लेना चाहे साइन भी दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये साइज जो है इसकी थोड़ा सा ज्यादा है, इसको सेलेक्ट करके, क्योंकि तो इसमें हमें नंबर 1 2 3 4 5 ही डालना है ना, इसको थोड़ा सा छोटा है, ठीक है सर। अब यहां पे मुझे देना है ई ऑफ स्टेटिक, इसके ऊपर भी सेम फॉन्ट रखते हैं, कौन सा बुक बुक मैन क्वेस्ट फॉर स्टाइल, इसकी साइज 26 कर दीजिए, इसको बोल्ड कर दीजिए, इसका कलर ये बना दीजिए, ठीक है। अब मुझे यहां पे चाहिए डेज ऑफ लिमिट, क्या शो करना है, इसको मैंने सर्च करके मर्ज किया, यहाँ पे लिखा डेज ऑफ लिमिट और यहाँ पे एक लाइन छोड़ के सिलेक्ट करके मैं मर्ज कर रहा हूँ, मर्ज, इसकी बैकग्राउंड कलर ये सेम होगी एंड टेक्स्ट कलर व्हाइट हो, ताकि अगर इसके कोई फॉर्मूला लगा या नॉर्मली भी हम कुछ लिखें तो इसको हम यहाँ से सेंट्रल करते हैं और इसकी साइज थोड़ी सी बड़ा, अब साइज को अब हर बार तो नंबर डालेंगे नहीं, यहाँ से बड़ा करके भी देख कितना बार आएगा, तो कर दीजिए बोल्ड। अब मुझे यहाँ पे एक लंबी लाइन चाहिए, वो भी मान लीजिए पिंक कलर या कोई और कलर, तो बॉर्डर में गए और यहाँ से कलर चूज कर लिया जिस कलर में लाइन चाहिए, और ये वाली मुझे लाइन एज कलर चूज कर लिया, लाइन चाहिए ए वाली और मैंने लगा दी यहाँ, कि मुझे लाइन ऐसे में चाहिए फिर लगा दी, ठीक है। सेम यहां मैं एक लाइन छोड़ता हूं, यहां लेता हूं वर्किंग डेट, क्या लिखूंगा मर्ज करके वर्किंग डेट। अब बार बार ये लिखना नहीं, इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे रख के
पेस्ट कर, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा चाहिए इसको, तो इसको मर्ज करके एक बार और मर्ज कर दीजिए, तो बड़ा हो जाएगा, यहाँ पे 262 या जो भी रेट डालेगा यहाँ पे जाएगा। फिर सेम जो ए आपको चाहिए ये वाला, इसको यहाँ से कॉपी कीजिए और इसके बाद यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए, शेड्यूल हो गया था सर, यहाँ पेस्ट कर दीजिए, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे चाहिए सिक डेज, एक लाइन छोड़ के क्या चाहिए, सिक डेज हैश सिक डेज, और यहाँ सेम एरिया को लिया मैंने और इसको मर्ज किया, इस बार इसका कलर थोड़ा अलग, ये सही रहेगा, सिक डेज 1 या जो भी नंबर, ये तो फॉर्मूला सा आएगा लेकिन मैं ऐसे दिखाने के लिए लिख देता हूँ, ठीक है सर, वरना आगे जब मेनू एक ओरिजिनल रिपोर्ट बनेगी तो इसको फॉर्मूला से ही लाना हो, ठीक है सर। जो कॉपी किया उसके बगल में पेस्ट कर दो इसको, अब यहाँ मुझे क्या लिखना है, मुझे लिखना है वैकेशन, मार्च किया यहाँ देना है वैकेशन, इसको मर्ज किया 0, इसकी कलर हम बीजेपी कलर कर देते हैं क्योंकि तो बीजेपी कलर से थोड़ा सा हल्का, ठीक है सही है। अब बीजेपी कलर कर दिया तो आप लोग ये मत सोचिएगा मैं बीजेपी का समर्थक हूँ, बाकी समर्थक हूँ लेकिन वो समर्थन, अब जो कांग्रेस को समर्थक होंगे बोल देंगे कि सर क्या कर दिया आपने, आप तो बीजेपी के पार्टी हो गए, जाइए आपसे क्लास नहीं लेंगे, तो खामा खा हमारा नुकसान हो जाएगा। अच्छा मैं जब क्लासेस देता हूँ तो सैंपल डेटा यूज करता हूँ, तो सैंपल डेटा में नाम तो ऐसे यूज कर लेता हूँ लेकिन कई बार क्या होता है कि नंबर में अपना डाल देता हूँ। एक बार 1:30 बजे रात में एक कॉल आया मेरे पास और बोलता है कि पूजा जी से बात हो सकती है, मैंने बोला ये पूजा का तो नंबर नहीं है, तो नहीं मैंने यूट्यूब पे देखा है पूजा का नंबर है, मैंने बोला अरे कमबख्त तो यूट्यूब पे मैंने सैंपल डेटा में ऐसी नंबर डाल दिया अपना, आप किसी के थोड़ी डालोगे किसी के ओरिजिनल नंबर, तो तूने समझ लिया कि पूजा का नंबर है, कसम से बोला हूँ, उसके बाद रात में नींद नहीं आई थी मुझे। तब से जब भी मैं अपना नंबर यूज करता हूँ बोल देता हूँ कि पूजा का नंबर नहीं है मेरा नंबर है, जो वीडियो यूट्यूब पे जानी होती है। अब यहाँ पे बाकी ब्रेकडाउन वगैरह टाइप हो जाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि तो टाइप जो होगा तो फॉर्मूला से होगा ना, फॉर्मेटिंग तो बस यही तैयार होगा ना। अच्छा इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं लग रहा है इस फॉर्मेटिंग में, हालांकि दिक्कत इसमें ओरिजिनल फॉर्मेटिंग में भी दिक्कत है, इसने डेटा फीड कर दिया है यहाँ पे नंबर्स में, इसमें भी फॉर्मेटिंग क्योंकि ये मंथ है और मंथ में हुआ एक आपका जो है एक काउंट है कि भाई ये 3 वेडनेसडे फर्स्ट इस तरह से नंबर डाला हुआ है, इतने लोग छुट्टी पे है, मतलब कि कितने एम्प्लॉय छुट्टी पे है वो यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है। नहीं नंबर्स बता रहा है कि जनवरी में एम्प्लॉय नंबर 1 एक मंडे से शुरू किया और ये कंटिन्यू करता चला है, फरवरी में इसने थर्सडे से शुरू किया और करते चला, ठीक है। फिर नंबर ऑफ डेज बता, और नंबर
एम्प्लॉय टेकर में यहाँ पे कितने नंबर ऑफ डेज लीव पर है वो यहाँ पे दिखा रहा है हर एम्प्लॉय का, ठीक है ना सर, कितने डेज देखते हैं वो दिखा रहा है। वो तो फॉर्मूले से आया, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है कि यहाँ पे संडे मंडे ट्यूजडे इस तरह से डाल दिया, इसलिए वीक वगैरह कोई सिंबल तो दिया ही नहीं। तो मैं अपने रिपोर्ट में थोड़ा सा बेटर कर सकता हूँ कि संडे टू मंडे, मान लीजिए मेरे पास संडे टू मंडे संडे हुआ, ये 1 वीक हुआ, तो इसकी एक अलग मैं अपना ये डाल सकता हूँ, बॉर्डर डाल सकता हूँ, बॉर्डर सेग्रीगेट कर सकता हूँ, अगर जरूरत है तो कर सकते हैं आप सेग्रीगेट, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको जो है अलग कलर से, मान लीजिए इसी कलर से लेता हूँ और ये डबल लेता हूँ और यहाँ पे इसको दे देता हूँ, ठीक है। सेम थिंग यहाँ पे लिया संडे टू संडे, संडे टू सैटरडे, सॉरी मंडे टू सैटरडे, और इस पर मैं F4 प्रेस करूंगा। F4 क्या करता है, लास्ट एक्शन को रिपीट करता है। जी, बिल्कुल ठीक है। तो ये थोड़ा सा बेटर लग रहा है ना, पता चल रहा है कि एक बार यह है ये मार्किंग। और इसमें एक चीज और करेंगे, फॉर्मेट सेल में आते हैं, ये जो कलर मैं ब्लू ही लेता हूँ, इस बार एक पतला वाला लेता हूँ ये रहा। इससे क्या हुआ, ये थोड़ा पतला दिख रहा है, ये नवा भरक है तो इस पे ध्यान नहीं जा रहा, इस पे ध्यान चल रहा, समझे सर। तो इस तरह की चीज से भी आपको सोचना होगा जब रिपोर्ट्स आप फॉर्मेट बनाएंगे, क्योंकि इजिली अंडरस्टैंड हो, जो दिखाना चाहे वही दिखे, फोकस फालतू चीजों पे ना हो, यही हमारा रिपोर्ट का, रिपोर्ट फॉर्मेट बनाने का एक मेन पर्पस होता है, समझे। क्लियर है, कोई डाउट इसमें आप लोगों को, नेहा जी कोई प्रॉब्लम है इसमें। अब इसके ऊपर वी लुकअप, एच लुकअप, सम इफ, काउंट इफ जैसे फॉर्मूला अप्लाई किया, तो जो भी रिपोर्ट हमारी बनती है उसको फॉर्मेटिंग से ही बनाया, और फॉर्मेटिंग से रिपोर्ट, फॉर्मेटिंग में रिपोर्ट का अच्छा खासा रोल है। जैसे यहाँ देखिए, ये दिख रहा है आपको सर, ये भी एक फॉर्मेट है। इसी तरह से बहुत सारे फॉर्मेट्स में, तो कहने के मतलब है कि बाकी नॉर्मल फॉर्मेटिंग तो बनाते ही है ना। अगर हम आप जैसे गूगल पे जाइए, गूगल पे सर्च कीजिए रिपोर्ट फॉर्मेट, तो यहाँ पे आप देखिए किस तरह के फॉर्मेट्स आते हैं। अब इस तरह के फॉर्मेट्स जो आप देख पा रहे हैं, इस तरह के फॉर्मेट आप देख पा रहे हैं, दिख रहा है आपको सर। अब ये फॉर्मेट तो बहुत ओल्ड फैशन दिख रहा है ना, ऐसा लग रहा है पुराने जमाने के बना हुआ रिपोर्ट है, क्या दिख रहा है सर। अब इसी में अब देखिए ये रिपोर्ट दिख रहा है सर, अब ये देखिए कुछ सिमिलर सा लग रहा है, लेकिन दोनों में फर्क दिख रहा है, दिख रहा है। तो कलर वगैरह, कलर के मैनेजमेंट, वो आपका थोड़ा सा बॉर्डर के मैनेजमेंट, उसकी प्लेसमेंट, वो उससे आपका रिपोर्ट को एक कलर, जैसे ये देखिए रिपोर्ट बना पूरा बैकग्राउंड कलर कर दिया है, तो क्या किसी रिपोर्ट को पूरी तरह से बैकग्राउंड कलर करना सही है, नहीं बिल्कुल सही नहीं है, ठीक है। हम कलर उस फील्ड को करेंगे जिसको मुझे दिखाना है कि हाँ बंद, जब भी मैं खोलूं तो मेरा नजर उसी पे जाए। अब ये देखिए इस रिपोर्ट में सबको येलो कलर कर दिया, अब सब इसके लिए इंपॉर्टेंट है, तो क्या फायदा येलो कलर करने से, सब दिखेगा आपके सामने, ठीक है। तो अभी आपको क्या करना है, आपको अभी करना है इस तरह से न्यू में जाना है, और यहाँ पे बहुत सारे फॉर्मेट्स मिलेंगे अलग अलग कैटेगरी की, उस अलग अलग कैटेगरी की फॉर्मेट्स को डाउनलोड करके आपको ट्राई करना है, बनाना है, खुद से बनाना है। अब जैसे कि ऊपर देखिए ये आपका एक फॉर्मेट दिख रहा होगा, राइट, ये वाली कहाँ गया, इसको ग्रांड चार्ट कहते हैं, ये वाली, तो ये भी फॉर्मेटिंग से ही बना होगा, ठीक है। बट
ऑटो फॉर्मेटिंग है, एक इसको बोलते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग। मतलब कि अभी हमने जो फॉर्मेटिंग करके डेटा बनाया, इस फॉर्मेटिंग में हम सेल पे कौन सा वैल्यू टाइप कर रहे हैं और उसके ऊपर क्या कलर है, उसके बीच में कोई इंटरलिंक नहीं है। है इंटरलिंक सर? नहीं है। हम लेकिन लोगों ने फॉर्मेट बनाए हैं। जी हाँ फॉर्मेट बनाया, लेकिन कई बार मुझे हम लोग कंडीशनल फॉर्मेटिंग बनाना होता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे इसी रिपोर्ट में देखिए, जो रिपोर्ट हमने अभी जो डाउनलोड किया है, इसी में देखिए, यहाँ दिख रहा है 67 डाउन है तो ये माइनस में, अप है तो अलग कलर में है, दिख रहा है सर? क्योंकि ए हमने इसके अंदर देखिए यहाँ पे दिख रहा है कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? कंडीशनल फॉर्मेटिंग। अगर मैं अप पे अगर डाउन या अप लिखा हुआ है ना, अगर मैं इसके अंदर डाउन लिख दूं, मैं लिख देता हूं डी ओ डब्ल्यू डाउन 3%, लिख के एंटर मारा, देखिए रेड हो गया सर। तो एक कंडीशनल है, तो ये जो रिपोर्ट्स अभी दे आपको दिखाया, ए फॉर्मेटिंग कंडीशनल फॉर्मेटिंग, जो कि इन नंबर्स के अकॉर्डिंग अपने आप को बढ़ाता है। जैसे मैंने बोला कि प्लान स्टार्ट 1 से था और 6 तक चला, 6 की जगह पर मैं 7 कर दूंगा, तो ये देखिए 7 वाला पार्ट भी आपका कलर हो गया। हो गया कलर, हुआ ना? और 1 से स्टार्ट ना होके 2 से स्टार्ट हुआ था, देखिए दिख गया। समझे? तो ये फॉर्मेटिंग किससे है? कंडीशनल फॉर्मेटिंग से। और अगला टॉपिक हमारा कस्टम फॉर्मेटिंग और कंडीशनल फॉर्मेटिंग का ही है, लेकिन दोनों टॉपिक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो मैं आपको टॉपिक डायरेक्ट नहीं पढ़ाना चाहता हूं, मैं उससे पहले आपको उसकी रिकॉर्डिंग देना चाहूंगा। कुछ टॉपिक कॉम्प्लिकेटेड होंगे तो उसके लिए उसकी पहले प्री रिकॉर्डेड वीडियोज मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, उसको आप देख लीजिए, अगर आपको अच्छा लगा, समझ में आएगा, तो आगे क्लासेस में आपको अच्छे समझ में आएगा, इसलिए मैं वो चीजें प्रोवाइड करता हूँ। ठीक है सर? तो अगला फॉर्मेटिंग हमारा कस्टम फॉर्मेटिंग का है और कंडीशनल फॉर्मेटिंग। दो वीडियोज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, इसको एक बार आप लोग टाइम निकाल के अच्छे से देख लीजिए। ठीक है? और साथ में आप लोगों का होमवर्क क्या है? होमवर्क ये है कि जो मैंने जैसा फॉर्मेट मैंने एक बनाया है, ऐसे फॉर्मेट बना के आप भेजिए। अब बात करते हैं होमवर्क में, अजय जी ने अपना होमवर्क भेजा है, तो चलिए उनके होमवर्क को देखते हैं कि उन्होंने क्या सब किया है। तो अजय जी, आप इसमें इसमें आपने पिक्चर लुकअप की बात की थी ना, तो मैं यहाँ पे एसओ लिखता हूँ तो एसओ आ गया, ये आता है मंथ लिखता हूँ तो मंथ आ गया। डेटा टू, यहाँ पे अगर मैं 6 करूं 7 करूं, अब यहाँ पे दिख रहा है सर आपको कि मैंने 7 किया तो आपका डेटा चेंज नहीं, क्योंकि आपके डेटाबेस में 7 नाम का कोई है नहीं, राइट? तो अब पिक्चर तो चेंज नहीं हुआ, तो अब इसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन ऐसा कीजिए जो पिक्चर अलग दिखाए। कैसे करेंगे मॉडिफिकेशन? यहाँ देखिए, तो हम समझते हैं आपने इसके ऊपर जो लगाया फोटो का लगाया, राइट? और यहाँ पे हम आते हैं लेआउट में, सॉरी फॉर्मूला बार में, नेम मैनेजर, फोटो, आपने इसको इनडायरेक्ट डेटा टू मैच फंक्शन, डेटा टू में आपने मैच फंक्शन लगा रखा, राइट? लगा क्या नजर जिससे लिंक आ रहा है? जी सर। तो मेरा लगाया हुआ है कि आपने लगाया है? चलिए, जी सर, मैंने अपना लगाया था। अब जैसे कि मैं एक काम करूं कि मैं यहां पे लिख देता हूं नो फोटो, ठीक है सर? नो फोटो। अब जैसे मैं अगर यहाँ पे 1 देता हूं तो यहाँ पे क्या आ रहा है? B2 आ रहा है ना सर? ठीक जी सर। है, नो फोटो लिया, इसको थोड़ा सा रेड करता हूं, इसको ऊपर इस तरह से किया,
और इसकी अलाइनमेंट यहाँ से चेंज की जा सकती है, ये आपको दिख रहा होगा ये रहा एंगल, इसको एंगल चेंज किया जा सकता है। ठीक है, अब इसको हमने कॉपी किया और पेस्ट एज ए पिक्चर इसी के, पेस्ट एज ए पिक्चर, इसको डिलीट कर दीजिए। ठीक है, इसके अंदर इसको फिट कर दीजिए। अब यहाँ पे एक सिंपल सा फॉर्मूला लगाइए इफ एरर, इसका लगाइए इफ एरर, इफ एरर, अगर ये फॉर्मूला एरर दे तो क्या शो हो, तो शो हो जे टू, जे टू। ठीक है, अब मैं अगर यहाँ पे 7 नंबर देता हूं तो क्या आएगा, इनमें आया। अच्छा, इसने डी F2 का आपने दिया हो ना, एक मिनट मुझे ये देखने दीजिए कि आपने कर क्या रखा है इसमें फोटो वाले में। तो डेटा 2B, अच्छा आपने मैनुअल B दिया हुआ, मैच आउटपुट, आपने मैनुअली बी ले लिया है ना उसमें। ठीक इससे कोई मतलब इसको नहीं ना, मैंने मैनुअली आपने लगा रखा है, इससे इसको तो मतलब नहीं है, फर्क नहीं पड़ रहा, ये 2 से फर्क पड़ रहा है। तो मुझे क्या करना होगा, नेम मैनेजर में जो फोटो यही पे इफ एरर लगाओ, इफ सिर्फ इसी इसी को कॉपी कर लेता हूँ, पूरे को डाल लेता हूँ। अगर यहाँ पे इफ एरर, तो सिंपल सा बोला कि अगर ये फॉर्मूला एरर देता है इसके जगह पे हम क्या कर देंगे, जे यहाँ पे इसको ले लेता हूँ, इसको फ्रीज भी कर, क्लोज, जो कॉपी किया ठीक जीरो क्यों आ रहा है, वैल्यू आ गई ना इसमें, इसको कॉपी किया और डिफाइन नेम में, नेम मैनेजर में फोटो की जगह पे डाला, सिंपल। एंड टू, अब यहाँ पे अगर 7 नंबर डालता हूँ तो क्या रहा है, ठीक है सर, मैंने क्या किया, मैंने ओके सर, क्या किया समझे, मैंने एक सेल पे नो फोटो सर का पिक्चर बना के उसके अंदर डाल, ठीक है, फिर जो डिफाइन नेम आपने लगाया था उसमें मैंने जस्ट एक इन इफ एरर का फॉर्मूला लगाया, कि मैंने बोला कि जो आपका फॉर्मूला पहले से डला हुआ है ना, अगर वो फॉर्मूला एरर देता है तो उसके जगह पे आपका जो नो फोटो है उसी का एड्रेस शो, समझे। तो क्या होता है जब यहाँ पे हमने डाला 7, यहाँ पे 1 पे आ रहा है, 2, सब पे नो फोटो ही आ रहा है, सब तो गड़बड़ हो गई, फॉर्मूला वर्क तो किया लेकिन सब पे नो फोटो ही दिखा रहा है।
लेकिन ये तो आ जाना चाहिए था यहाँ पे। अच्छा वो रेफरेंस नॉट वैलिड, मतलब कि आपका ये जो फॉर्मूला है ना वो सही से वर्क नहीं कर रहा। मुझे देखना, मुझे इसका नहीं मैनेजर इसमें डिफॉल्ट मैच ही रिजल्ट 0 दे रहा है। ये देखिए यहाँ पे ए चला, मैच में फॉर्मूला दिया 2, और बी और 2 आपस में कनेक्ट हुए थे, क्या बोला, डेटा बी टू। ओ यहाँ पे एक गड़बड़ हो गई, इनडायरेक्ट फॉर्मूला जो हमने यहाँ लगाया था ना, ये नहीं लगा, यहाँ नहीं लगा। यहाँ लगे, बाहर लगे। क्योंकि यहाँ पे इनडायरेक्ट फॉर्मूला उसकी वैल्यू रिटर्न कर दे रहा है, एड्रेस रिटर्न नहीं कर रहा, तो मुझे यहाँ पे इसका एड्रेस चाहिए ना। ये यहाँ पे छोटा सा प्रॉब्लम है। एक काम करता हूँ, इसको मैं नीचे कर देती हूँ, ठीक है। और फिर मैं यहाँ, कौन सा नंबर है, 7, 8वां नंबर, यहाँ पे देते हैं इस एरर, तो इस एरर बाहर नहीं देते हैं। मेरा फॉर्मूला मेन इनडायरेक्ट ही है, इनडायरेक्ट किसी के अंदर में नहीं जा रहा, मैं भूल गया। अब यहाँ पे इस एरर लगाएंगे कि अगर मैच ने एरर दिया कि J2 वगैरह नहीं शो, मैच अगर एरर दे रहा है तो उसके जगह पे 8 नंबर हो। अब इस फॉर्मूले को उठाया और डिफाइन नेम में मैंने डाला, आ गया सर 2, 3, 7, नो सॉरी 8 कर दूंगा तो भी नो हो गया। तो छोटे से फॉर्मूला का चेंजिंग किया, जो मैच फॉर्मूला था ना उसको इस एरर में डाला, और मैंने बोला कि अगर एरर दो तो 8 आ जाए, क्योंकि 8वें नंबर पे नो फोटो डाला हो। आप समझे सर? ठीक है, इसको अपने चेंज कर दें। तो इसी तरह से अगर आप होमवर्क देते रहेंगे तो आपको होमवर्क में जो गलतियां होगी उस गलतियां को हम अपने हिसाब से सही करके आपको दिखाएं, और कोई नई चीज आप सीखेंगे, समझे कि नहीं? इसलिए मैं आप सभी को बोलता हूं कि होमवर्क देते रहिए, होमवर्क देते रहिए,